हिंद, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट साइंस यानी विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग अच्छे से जो है तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसी में से कई सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे। और बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि त्वरण का एसआई मात्रक है। तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा, इसको आप लोग अच्छे से जितना हो सके उतना आप लोग इस वीडियो के साथ साथ आप लोग रिवीजन भी जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया गया है कि स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, इस यंत्र को कहते हैं। यानी कि दोस्तों, किसी भी वाहनों में एक ऐसा यंत्र लगा है जिनके द्वारा जो दूरी तय किया गया है उसको मापा जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ओडोमीटर। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन ए इसका यंत्रों का ओडोमीटर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सही है। तो दोस्तों, ये वाला जो ना फॉर्मूला है, और मैंने आपको कहा था ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, और वी बराबर यू प्लस ए टी होता है। तो यहाँ पे देखिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, वी बराबर यू प्लस ए टी। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं संवेग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है। तो दोस्तों, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, जिसका भार सबसे अधिक होगा तो वो क्या होगा, उसका जड़त्व भी अधिक होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेलगाड़ी। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति का कौन सा नियम है। तो यह दोस्तों, यह तृतीय गति को प्रदर्शित करता है, यानी कि न्यूटन गति के तीसरे नियम में यह व्यक्त होता है कि अगर किसी भी क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया की जाती है, तो आप इसको नोट कर लीजिए और ओम के नियम के जो है याद कर लीजिएगा। ओम का जो है तीन नियम था, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, ये तीनों नियम को आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से उनको जो है रिविजन कर लेना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दिया गया है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उनके भार का कितना गुना होता है। तो इसका आंसर है दोस्तों, 1.6 गुना होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, न्यूटन किसका मात्रक है। तो बच्चों, इसका आंसर होगा बल का। ठीक है, क्योंकि न्यूटन जो है बल का मात्रक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 10वां नंबर दिया गया है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है। तो उसका संवेग जो है आधा हो जाता है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। बच्चों, मैंने कई बार आपको बताया था कि रॉकेट जो है संवेग के संरक्षण पर सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संवेग के संरक्षण। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल निर्भर नहीं करता, तो वह कौन सा होगा। उनके द्रव्यमान के योग पर जो है ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है काम नहीं करता या निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित है। तो दोस्तों, धनुष की जो तनित डोरी है वो स्थिर में है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा उसमें संचित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है कि कार्य करने के दर को कहते हैं। तो कार्य करने के दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह जो है अगर गतिज ऊर्जा को जो है किसी वेग की जो है दुगुना कर दिया जाता है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगा ना, तो वो चौगुनी हो जाएगी, यानी कि चार गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि आवर्त का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवर्त का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज। ठीक है, इसको ऑप्शन नंबर दो इसका राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा। नोट कर लीजिए, इन सभी को आप लोगों को अच्छे से रिवीजन जरूर कर लेना है। और दोस्तों, वीडियो को लाइक भी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए 17 नंबर दिया गया है, इनमें से तरंग वेग भी और तरंग धैर लैम्डा तथा आवृत्ति एन के बीच सही संबंध कौन सा है। तो सही संबंध आपको बताना दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, भी बराबर एन लैम्डा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन पदार्थ है। तो निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है दोस्तों, यहां पे जो ठंडा पेय जो है यह जो है एक पदार्थ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, दिया गया 19 नंबर, कि निम्नलिखित में द्रव में कौन निश्चित होता है। तो द्रव में जो है कौन निश्चित होता है, आयतन जो है निश्चित होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए पदार्थ के तीन गुण होते हैं। ठीक है, तीन अवस्था होती है, तीनों अवस्था को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय अधिक आरामदेह होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को मैंने बताया था
सूती कपड़ा जो है गर्मियों के समय में पहनना चाहिए और ये काफ़ी आरामदेह होता है। ठीक है, इसको आप लोगों को मैंने अच्छे से समझाया था और क्यों होता है ये भी मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में कौन तत्व है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये तत्व है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दिया गया है, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। तो इसमें जो है चार ऑप्शन दिया गया, मिट्टी, समुद्री जल, कोयला और वायु। तो इसमें से जो है मिश्रणों का विलयन की पहचान करने के लिए कह रहा है, तो समुद्री जल जो होगा वो मिश्रणों का विलयन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक और सही आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? तो दोस्तों टिंडल प्रभाव यानी कि कॉपर सल्फेट का विलयन जो है टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि 1.8 g H2O यानी कि 1.8 ग्राम जल H2O के अणुओं की संख्या क्या है? तो इसमें देखिए दोस्तों H2O के अणुओं में संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6.00 × 10^22। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट और सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 25 नंबर दिया गया है कि 5.85 ग्राम NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड किसके बराबर है? तो दोस्तों इसका आंसर 1/10 mole के बराबर है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि कौन सा तत्व युक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है? तो बच्चों इसका आंसर होगा आर्गन। आर्गन क्या है कि परमाणु मुक्त के रूप में जो है पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होता है, तो 10 डिग्री सेल्सियस क्या करेंगे, हम लोगों को पता है कि सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन, तो अगर 10 को जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा, 273 और 10 को जोड़ेंगे 283 केल्विन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्रवणांक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नांकित में कौन अशुद्ध पदार्थ है? तो दोस्तों वायु जो है अशुद्ध पदार्थ है, मैंने आपको बताया था, इसको एक्सप्लेन करके अच्छे से आपको समझाया भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दिया गया कि केनाल किरणें किसका किरण पुंज है? तो यह दोस्तों प्रोटॉन का किरण पुंज है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन और 17 प्रोटॉन है, तत्व के परमाणु द्रव्यमान होगा? तो दोस्तों 17 और 18 को जोड़ दीजिए तो इसका परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा, तो 17 18 को जोड़ते हैं तो 35 आता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, 35 द्रव्यमान होगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कि सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा होगा? तो दोस्तों सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ये जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, 2 8 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से आप लोग रिविजन जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दिया है कि आत्महत्या का थैला कहलाता है, तो आत्महत्या का थैला किसको कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर होगा, लाइसोसोम। अगला कोशिका है, क्वेश्चन दिया गया है कि कोशिका का पावर हाउस होता है, तो कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है? बच्चों देखिए, मैंने आपको कई बार बताया था कि कोशिका के पावर हाउस यानी कि जो है ऊर्जा ग्रह जो है ऊर्जा गृह या ऊर्जा ग्रह जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न दिया गया है कि ट्रैकिडस पाए जाते हैं, तो ट्रैकिडस जो है सभी जाइलम में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, जाइलम में। अगला प्रश्न है कि मृदुतक की कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं, तो कोशिकाओं के बीच जो है अंतर कोशिकीय स्थान पाए जाते हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं? तो इसका आंसर आएगा दृढ़ उत्तक, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट और सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पक्षियों और मेंढकों के रक्त की प्रकृति होती है, तो सभी जो है शीत प्रकृति होती हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि जंतु जगत का सबसे विकसित समूह है, तो दोस्तों जंतु जगत का सबसे विकसित समूह क्या हो जाएगा, स्तनधारी वर्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में किस जंतु में विषैले उपमांग पाए जाते हैं या उपांग पाए जाते हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना होगा, ये कछुआ जो है, कछुआ में जो है विषैले उपांग जो है नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पे नहीं पाए जाने के लिए कह रहा था, तो यहाँ पे जो है कछुआ आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक और सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया कि निद्रा रोग उत्पन्न करता है, तो निद्रा रोग जो है वो ट्रिप्नोसोमा जो है ये उत्पन्न करता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मलेरिया का रोगवाहक है, तो मलेरिया का रोगवाहक क्या है बच्चों, मच्छर। आप लोगों को तो ऑलरेडी पता है, इसलिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, मच्छर। अगला प्रश्न दिया गया कि ओजोन गैस पाई जाती है, ओजोन गैस जो है कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि अतिचारण का संबंध है, तो अतिचारण का जो है संबंध किससे है, मृदा अपरदन से संबंध है, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक और सही आंसर होगा।
अगला सवाल है कि पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं, तो पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ जो है जैव रसायन कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि एक सूक्ष्म पोषक तत्व है तो क्या हो जाएगा, जस्ता। जस्ता क्या है, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि एक संश्लेषित उर्वरक है तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये यूरिया जो है एक संश्लेषित उर्वरक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है जंतु जगत का सबसे अधिक विकसित समूह है तो दोस्तों क्या हो जाएगा, मत्स्य वर्ग जो है सबसे विकसित जो है समूह में से एक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित या निमांकित में से किस जंतु में विषैले उपमांग नहीं पाए जाते हैं, तो देखिए अभी तुरंत मैंने आपको बताया था तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कछुआ। ये रिपीट क्वेश्चन यहां पे कर दिया गया है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, कछुआ। ठीक है, अगला है इनमें कौन पुष्पी पौधे हैं तो दोस्तों यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए एंजियोस्पर्म जो है यह क्या है, पुष्पीय पौधे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने जितने क्वेश्चन बताए हैं वे सभी क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप एग्जाम से पहले अच्छे से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। चलो दोस्तों इस वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।